नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज़ लेकर आए, जो न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो आपकी वैकेंसी निकली है भारतीय डाक विभाग के अंदर, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकली है। जैसा कि मैंने आप सभी को थंबनेल के अंदर बताया है, पोस्ट ऑफिस भर्ती डाकघर की भर्ती है एंड जो आपकी पोस्ट का नाम है GDS, जो ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट होती है, उसके लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। एंड इसके अंदर जो आपकी सैलरी रहेगी 35,000 से ज़्यादा आप इसकी सैलरी रहेगी। एंड जो इसके ऑनलाइन फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं, आज से ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो हम इसके अंदर आवेदन फीस है SC ST एंड जो महिलाओं के लिए एंड जो दिव्यांग साथी है, फिजिकल हैंडीकैप, उनके लिए आवेदन शुल्क निःशुल्क रहेगा, तो आवेदन फीस नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अपन देखते हैं डिटेल्स के साथ कि क्या इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है भारतीय डाक विभाग के अंदर जो वैकेंसी निकली है ग्रामीण डाक सेवक की। एंड दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। एंड आप में से जो भी इसका राइट आंसर देगा, उनमें से 30 से 40 लकी विनर्स का नाम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। एंड जो मैंने आपसे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, उनके 30 से 40 लकी विनर्स है, उनका नाम भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो आज का सवाल है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? आपके ऑप्शन है घूमर, केसरिया बालम, प्रियतम, परदेश गया या फिर उपरोक्त सभी चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर देना है विद आपके सिटी के नाम के साथ, ठीक है? तो राजस्थान का राज्य गीत कौन सा आपको ये बताना है। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं जो ये वैकेंसी निकली है ग्रामीण डाक सेवक की। तो सबसे पहले अपन इसका देख लेते हैं जो एज लिमिट है आपकी, कितनी इसके अंदर आपकी न्यूनतम एज होनी चाहिए, कितनी इसमें अधिकतम एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूनतम एज इसके अंदर 18 वर्ष है। अगर आपकी 18 वर्ष है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो अधिकतम एज है जनरल वालों के लिए 40 वर्ष, एंड जो SC ST है उनको 5 साल की छूट है। तो अगर आप SC ST में है तो आप 45 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो OBC वालों की भी 3 साल की छूट है, तो वो 43 साल तक इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। एंड जो दिव्यांग साथी है, फिजिकल हैंडीकैप, उनको 10 साल की छूट है, तो वो 50 साल तक है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल वालों के लिए 40 साल, SC ST के लिए 45, एंड जो OBC है उनके लिए 43, एंड जो PH है उनके लिए 50 साल, ठीक है? तो आप देख सकते हैं इसमें छूट बता रखी है। एंड उसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर है आपकी, सिर्फ 10वीं पास। अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ठीक है? और इसके अंदर साथ ही में आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी रहनी चाहिए, और जो कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए 50 से 60 दिन वाला, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई दूसरा कोर्स कर रखा है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, या फिर आपके 10th या 12th या ग्रेजुएशन के अंदर कंप्यूटर का सब्जेक्ट था तो आपको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं स्टडी कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर्टिफिकेट की, ठीक है? एंड इसके बाद अपन देखते हैं इसके अंदर जो आपकी सैलरी क्या रहेगी, ठीक है? तो दो पोस्ट इसके अंदर, एक फर्स्ट लेवल BPM की है एंड जो सेकेंड लेवल की है। तो BPM के अंदर आपकी जो सैलरी स्टार्ट हो जाएगी 12,000 से, जो फर्स्ट लेवल है उसके अंदर 12,000 से 29,380 तक जाएगी। एंड जो लेवल सेकेंड उसके अंदर जो स्टार्ट हो जाएगी आपकी 14,500 से स्टार्ट होगी, जो जाएगी 35,480 तक। एंड जो APM डाक सेवक की है, 10,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी फर्स्ट लेवल में, एंड जो 24,470 तक जाएगी। एंड जो लेवल टू है इसके अंदर 12,000 से स्टार्टिंग होकर 29,380 तक की। ये तो आपका हो गया सैलरी, कितना क्या अलाउंस मिलेगा आपको, ठीक है? एंड जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, किस आधार पर आपका सिलेक्शन रहेगा, तो आपका परसेंटेज बेस के जो परसेंटेज की मेरिट बनेगी उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके अंदर कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है, सारा काम ऑनलाइन है, ठीक है? तो प्रतिशत के आधार पर ही आपका इसके अंदर सिलेक्शन होगा, बाकी जो SC ST OBC की मेरिट इसके अंदर बनेगी, ठीक है? 10वीं के परसेंटेज के आधार पर होगा। एंड जो फीस पेमेंट है ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट आप देख सकते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो फीस रहेगी आपकी ₹100 रहेगी जो हमारे जनरल कैटेगरी वाले हैं, एंड जो ओपन OC का मतलब है यहाँ पर ओपन कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग वाले, एंड जो OBC का अन्य पिछड़ा वर्ग वाले, तो इनके लिए ₹100 रहेगी। जनरल OBC के लिए ₹100, एंड जो महिला अभ्यर्थी एंड जो SC ST एंड जो PH कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं, उनके लिए आवेदन शुल्क निःशुल्क है। तो यहाँ पर बता रखा है एग्जेम्प्टेड फॉर एग्जाम फीस, ठीक है? तो फ्री रहेगा SC ST एंड जो PH एंड जो महिला अभ्यर्थी है, तो सभी आप इसके लिए अप्लाई करें, महिला अभ्यर्थी भी, ठीक है? एंड अप्लाई कैसे करना आप देख सकती है, ऑफिशियल वेबसाइट है भारतीय डाक विभाग की, इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी है, ठीक है? और जॉब लोकेशन भी मैं आप सभी को बता दूंगा। तो आप फॉर्म भरेंगे तो आपको उसके अंदर अपने नेम, अपने 10th के परसेंटेज जो भी इसके अंदर बता रखे हैं, जो आपका फादर्स नेम, मोबाइल नंबर एंड जो भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं, वो सभी आपको अपलोड करना है। वो भी मैं आपको बता
दूंगा, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आप सभी की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं इसके जो फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं आपके 3 दिसंबर 2018 से, 3 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जो फॉर्म भरने की आपकी लास्ट डेट है 2 जनवरी 2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन चलते हैं डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप सभी देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो भारतीय डाक विभाग की, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल रखी है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो ये वैकेंसी निकल रखी है आपके हरियाणा सर्किल के अंदर, ठीक है, अपने पास में ही है, राजस्थान के अंदर ही है हरियाणा, और हमारे साथ हरियाणा के भी काफ़ी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, और इंडिया लेवल की पोस्ट है, तो अपन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर ये वैकेंसी निकल रखी है एंड जल्दी राजस्थान के अंदर भी निकलेगी दोस्तों, आप देख सकते हैं। एंड जो पिछली बार भी राजस्थान के अंदर ये वैकेंसी निकली थी तो जिसको हटा रद्द कर दिया गया था, तो इस बार फिर से वो वैकेंसी निकलेगी। पिछली बार भी 3,000 से ज़्यादा पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली थी, तो जिसको किन्हीं कारणवश रद्द कर दिया गया, तो जल्दी राजस्थान की वैकेंसी भी इसके अंदर निकलेगी, जो परसेंटेज बेस के ऊपर ही रहेगी। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं, और आप यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने जो डिटेल्स है, अपने रोल नंबर वगैरह, डॉक्यूमेंट्स सभी आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। और आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिस वैकेंसी का निकल रखा है हरियाणा सर्किल के लिए, भारतीय डाक विभाग की जो भर्ती है ग्रामीण डाक सेवक के लिए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, और इस नोटिफिकेशन की लिंक भी मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके अंदर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, और मैंने आपको बता दिया है वीडियो के अंदर, तो ये आप सभी देख लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, सैलरी वैलरी सब मैंने आपको बता दी है, आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। एंड महिला एंड जो SC ST वाले तो अप्लाई कर ही दीजिए, फीस फ्री है इसके अंदर, कोई आपके चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है। मोबाइल के द्वारा भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बट थोड़ा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, एंड इसके अंदर कितनी क्या सीट्स हैं वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर आप सीट्स देख सकते हैं कि कितने क्या सीट्स हैं। तो इसके अंदर टोटल 682 पदों के लिए वैकेंसी निकली है, जो OBC के लिए 130 पोस्ट है, एंड जो दिव्यांग साथियों के लिए आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में 5, 18, 4, एंड जो SC के लिए यहाँ पर 124 पोस्ट है, एंड जो जनरल वाले हैं उनके लिए 401 पोस्ट है, ठीक है। टोटल 682 पोस्ट है। एंड दोस्तों इसके अंदर जो बाहर से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप इसमें ऐसा नहीं है कि आप हरियाणा के बाहर से, तो आपको राजस्थान जो सामान्य के अंदर गिना जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिया लेवल की वैकेंसी है, आप जिस कैटेगरी के हो उसी में ही आप काउंट किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप राजस्थान के ऊपर हरियाणा में भर रहे तो आप जनरल में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, तो आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड जो आपकी कैटेगरी है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको जो प्रेफरेंस मिलेगी, सीट्स मिलेगी, ठीक है। तो आप सभी देख सकते हैं। जो दोस्तों अपन ने जो लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ पर लगता है, और आप में से काफ़ी सारे दोस्तों ने राइट आंसर दिया था, तो उनमें से मैंने जो रेंडमली सेलेक्ट किया हमारे दोस्त, तो उनका नाम आपको बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा आपका सिक्किर में, ठीक है, सिक्किर में इसका मेला लगता है खाटू श्याम जी का। एंड जिन दोस्तों ने इसका राइट आंसर दिया है उनका आप नाम देख सकते हैं। एंड दोस्तों जिनका नाम नहीं आएगा उनको मैं सॉरी बोलता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम आपका नाम आ जाएगा, और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपका नाम नहीं आया। तो आप देख सकते हैं जो अनुराग जारेदा का राइट आंसर है, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं जिन्होंने भी राइट आंसर दिया है। निमेश जाटव ने राइट आंसर दिया है, रितिका जैन ने ऑप्शन बी था राइट आंसर, ठीक है, रितिका जैन, एंड धनराज तिलोटिया, एंड जो गायत्री इंदौरिया, तो जो सबसे पहले इन्होंने ही आंसर दिया था, गायत्री इंदौरिया ने, एंड जो ऊपर आप देख सकते हैं धनराज ने, ठीक है। एंड इसी के बाद जो भूपेंद्र साहू, पुनीत आनंद, SK आनंद, एंड जो नीतू शेखावत है इन्होंने राइट आंसर दिया, SK मीना ने राइट आंसर दिया, एंड जो रिया जिंदेल है इन्होंने भी राइट आंसर दिया, सवाई माधोपुर से ये बिलोंग करते हैं, रिचा कुमारी ने भी राइट आंसर दिया, अंजू सिंह ने भी राइट आंसर दिया, पंकज सिगार, मनीष कुमार, एंड जो करोड़ी चंदा है इन्होंने भी राइट आंसर दिया, एंड जो फिल्मी स्वेग है तो इन्होंने भी राइट आंसर दिया, मथुरा से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ UP से भी जुड़े हुए हैं, मथुरा से फिल्मी स्वेग, एंड उसी के साथ जो नितिन कुमार अग्रवाल है इन्होंने भी राइट आंसर दिया है, एंड जो ट्रेवल प्लेनेट है इनका भी राइट आंसर है, चूरू से ये बिलोंग करते हैं, नाम नहीं है इनका। एंड जो दीपा नागर का भी राइट आंसर है, M22 जोधपुर से ये बिलोंग करता है, इनका भी राइट आंसर है, एंड जो मनीष शर्मा है इनका भी राइट आंसर है। एंड इसी आप देख सकते हैं जो हरेंद्र सेन है इनका भी राइट आंसर है, शिनचेन वर्ड इनका भी राइट आंसर है, विकास जाट, जो AVM अलवर राजेंद्र नागर,
एंड जो ऋषिराज मीना एंड जो मोनू शेहरा, प्रीति शेवाल, जो तेजराज मीना, रोहित सेन एंड जो श्रवण कुमार पुरोहित, उषा मेहता, विकास वर्मा, अनीता गुजर एंड जो निक्की तमारे अपने अजमेर ब्यावर से ये बिलोंग करते हैं, इनका भी राइट आंसर है अभी सिंह एंड रमेश जाट, हरीश मीना एंड जो सीमा वैष्णव है जो किशनगढ़ से है, इनका भी राइट आंसर है अजमेर से। एंड जो ओमवीर यादव है इनका भी राइट आंसर है, ये भी हमेशा कमेंट करता है। एंड जो महेंद्र कुमार सैनी है इनका भी राइट आंसर है, बाबूलाल वर्मा का भी राइट आंसर है, विमला धांधू का भी राइट आंसर है, जो चैतन्य पूजा व्यास है इनका भी राइट आंसर है, बीकानेर से ये बिलोंग करता है। एंड जो ममता सहारन है इनका भी राइट आंसर है, नीतू जाखड़ का भी राइट आंसर, SSBJ का भी राइट आंसर है। एंड जो दुर्गेश दुर्गा शंकर नागर का भी राइट आंसर है, रितेश कुमार एंड जो सोनू काजला का भी राइट आंसर है, ये भी हमेशा कमेंट करते हैं। एंड जो खुशबू पिलानिया का भी राइट आंसर है, एंड दोस्तों जिनका नाम नहीं आता उनको सॉरी, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएगा आप सभी का। एंड कमेंट कर दीजिएगा गुस्से से कि हमारा नाम नहीं आता, तो आपका नाम सबसे पहले ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो नीतीश पारासर का भी राइट आंसर है, मंजी गुजर का भी राइट आंसर है, विजय पवार का राइट आंसर है, हीरा मीना, वरुण पारिक एंड जो लक्ष्मणिया मेवारा, मनोज पारिक एंड जो तेजपाल वर्मा जयपुर से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप सभी का राइट आंसर, तो इस बार पता नहीं 50 से भी ज़्यादा विनर्स का नाम मैंने इस वीडियो के अंदर लिया है। नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करूंगा कि आप में से जो भी सवाल का जवाब देता है जिनका नाम कभी नहीं आया तो उनका नाम ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आप सभी को ये वैकेंसी की जानकारी देनी थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। एंड पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करेगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। एंड इस वैकेंसी का फॉर्म आप सभी भर दीजिएगा जो वैकेंसी निकली है भारतीय डाक विभाग के अंदर, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी एंड जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो अप्लाई कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर बीइंग विद टेक्नो राजस्थान एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।